नमस्कार दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2023 दोपहर का समय है। राजधानी लखनऊ में बरसात हो रही है, लेकिन भारतीय सेना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर दिखाने के लिए हम आपको बिजनौर थाने की वंदे भारत कॉलोनी ले आए हैं। जहां दोस्तों सरोजनी नगर तहसील के ठीक पीछे किसान पथ से सटी ये ऐसी जगह है, ऐसी कॉलोनी है जहाँ सैनिकों का परिवार रहता है। यहाँ रहने वाले SP सिंह तो इस समय भारतीय सेना की ड्यूटी निभा रहे हैं, सरहद की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनका घर ही सुरक्षित नहीं है। 28 अप्रैल की रात में उनके घर में चोरी हो गई, 4 से 5 लाख रुपए के कीमती जेवर चुरा लिए गए, मोबाइल फोन चला गया, पत्नी पूरा दिन थाने में बैठी रही, लेकिन दोपहर बाद रिपोर्ट दर्ज हो चुकी, जबकि 1:30 बजे तक मोबाइल ऑन था। उसके बाद भी 48 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस पूछताछ करने तक नहीं आई है। भारतीय सैनिक का परिवार पूरी तरीके से निराश और हताश है, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, मजदूर कुछ काम कर रहे हैं, उनको नामजद भी कराया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने यह जहमत नहीं उठाई। आइए बात करते हैं भारतीय सैनिक की पत्नी ममता से। ममता जी, आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? सर, मैं 3 साल से यहाँ पे रह रही हूँ जी। 2 मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखे। हस्बैंड कहाँ पर है इस समय, पोस्टेड कहाँ है, क्या रैंक सर, है? आसाम में पोस्टेड है, आर्मी में, इंडियन आर्मी में आसाम में पोस्टेड है अभी उनकी, और हवलदार रैंक जी। तो किस तरीके से, क्या घटनाक्रम क्या है? सर, हम लोग 28 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे के करीब यहाँ से अयोध्या के लिए निकले और वापस रात को 1:30 बजे घर में आए जी। तो आगे से मैंने दरवाजा खोला तो सब कुछ बंद था, बट जब अंदर गई तो ये सारे दरवाजे बंद थे, बस पीछे से दरवाजा खोल के और मेरे घर में मतलब लाखों की चोरी, लाखों क्या, 2-2.5 लाख की चोरी हो चुकी है जी। पूरे ज्वेलरी मेरे सब गायब है जी। एक फोन भी साथ में गया है सर जी। ज्वेलरी में क्या क्या है? ज्वेलरी में सर मेरा 1.5 तोले का चैन है, 1.5 तोले का एक झुमका है, एक मंगलसूत्र है, एक कान का झुमका है, और पायल 4-5-6 जो भी थे जी, और एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन मेरा गया जी। फिर जब आपने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त है, चोरी हो चुकी है, फिर क्या किया आपने? हमने 112 पे कॉल मिलाया जी, पुलिस आई तो उन्होंने फिर थाना बुलाया, थाना से संदीप SI जो संदीप सिंह, संदीप कुमार कुमार तो आए, उन्होंने बोला कि सुबह आप एक एप्लीकेशन लेके आप थाने पे आइए जी। फिर थाने पे आइए, थाने पे मैं सुबह 10 बजे गई, 10 बजे से बैठे 2-2.5 बजे के करीब वो हुआ FIR हुई जी। उसके बाद मैं बोलती रह गई कि कम से कम घटना कम है, नामजद लोगों को ना, कई लोगों का नाम दर्ज कराया। किसके किसके ऊपर शक है आपको? यहाँ मेरे घर के बगल में जस्ट काम चल रहा है सर, उनके पूरे लेबरों पे, 2 घरों में काम चल रहा है, एक पीछे घर में काम चल रहा है, उनके सारे लेबरों पे मुझे डाउट है, क्योंकि ये लोग रात दिन यही रहते हैं और वाच करते हैं मेरे घर को, और वो मुझे जाते हुए भी देखे हैं और आते हुए भी देखे हैं जी। क्या 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 नाम है उनके, जिनके जिनके ऊपर शक है आपको? एक या अनिश यादव करके ठेकेदार है, जो पत्थर का ठेका, शुक्ला जो जी है उनके घर में, मतलब उनके काम चल रहा है जी, और एक भोला सर है उनके घर में भी काम चल रहा है जी। ममता जी, जब FIR आपकी लिख गई, उसके बाद क्या घटनाक्रम है, क्या क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जब मैं 2 बजे यहाँ घर आई, 2:30 बजे के करीब, उसके बाद हम 1.5 घंटा 2 घंटा वेट करते रहे, बोले वहां थाने से बोला गया था कि आप घर जाइए, पुलिस जा रही है ठीक है, लेकिन 1.5-2 घंटे उनको इंतजार करने के बाद भी जब पुलिस नहीं आए, फिर मुझे मजबूरन 112 पे कॉल करना पड़ा, तो फिर एक 112 वालों ने फिर थाने पे कॉल किया, तो एक कांस्टेबल आए, एक कांस्टेबल आके ऐसे ही मतलब उनसे जब मेरा बहस होने लग गया, तो फिर वो जाके जबरदस्ती जैसे नहीं होता है वैसे, हाँ क्या क्या है, थोड़े जो जितने हमने नाम दर्ज कराए थे, किसी का ज्यादा का इंटरव्यू नहीं, मतलब ज्यादा का नहीं लिए, 2-4 लोगों का लिया और बोला ठीक है काम खत्म करके तुम लोग थाने पे आना, और चले गए। उसके बाद अभी रात बीत गई, दिन बीत गया, अभी तक पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। तो ममता जी, यहाँ एक कॉलोनी में इतनी बड़ी घटना हो गई, तमाम फौजी परिवार यहाँ पर रहते हैं, क्या आप क्या अपील करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं सरकार से? हमको सरकार से यही चाहिए कि प्रशासन हमारी बिल्कुल कोई मदद नहीं कर रहा है, पूरे फौजी एरिया है, पूरे फौजी बसे हैं, और हमारे हस्बैंड सरहद का मतलब देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, और हम लोग यहाँ बिल्कुल असहाय पड़े हैं, कोई प्रशासन का कुछ भी, 24 से क्या 48 घंटे हो गए करीब करीब,
लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस के द्वारा हमको कल ये बोला गया कि आप ही का स्पेशल केस है जो आपके लिए हम लोग वहां पे, हमने जब जिद किया कि नहीं इंक्वायरी आप चलिए वहां पे हमारे साथ, कम से कम घटनास्थल पर तो देखिए, तो उन्होंने यही कि चुनाव का टाइम है, आप ही स्पेशल यहाँ पे थोड़ी ना, पुलिस के पास बहुत सारे काम है। इस तरीके के जवाब मिलते हैं तो आदमी को बहुत दुख होता है कि हस्बैंड मेरा दूर देश की सेवा कर रहा है और हम लोग एक मतलब जायज कार्रवाई के लिए इन लोगों के पास हमें रोना पड़ रहा है। और दोस्तों यही नहीं, जब पड़ोस में रहने वाले एक भूतपूर्व सैनिक से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो ये मजदूर आके रह रहे हैं ये पहले भी कई चोरियां कर चुके हैं, लेकिन बिजनौर पुलिस के हाथ आज तक खाली हैं। मतलब यहाँ वंदे भारत कॉलोनी में ममता जी के घर में चोरी हो गई, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ वंदे भारत कॉलोनी में मैं दिनेश सिंह भूतपूर्व सैनिक हूँ, 2 साल हो गया मेरे को आर्मी से रिटायर होके। यहाँ का सिचुएशन इस समय बहुत खराब है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है यहाँ के बारे में। हम लोग कल गए थे FIR करने के लिए, 10 बजे जाने के बाद 2 बजे तक वहाँ बैठे थे, तब बड़ी मुश्किल से राठौर साहब से बात करने के बाद FIR हमारी लिखी गई, भदौरिया साहब से बात करने के बाद हमारी FIR लिखी गई। क्योंकि ये एरिया हमने देखा अभी तो बहुत कम यहाँ बना हुआ है और ज्यादातर सब खुला पड़ा हुआ सुनसान है। वाले यहाँ काफी लोग रहते हैं लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ के ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, और लेकिन यहाँ काम भी उतने ज्यादा ही, जितना डेवलपमेंट होगा काम भी ज्यादा चलेगा, लेबर पार्टी ज्यादा आएगा, वो लेबर पार्टी एक दूसरे के घर में घात लगा के बैठे रहते हैं। और वो जैसे क्या पहले भी कुछ ऐसी घटना हो चुकी है? पहले भी ऐसी घटना हुई है, यहाँ बगल में एक यशवंत कुमार है, उनके घर में जनरेटर लेके गए, उठा ले गए, अल्टरनेटर खोल ले गए थे, 1 महीना पहले की बात है। अभी एक यहाँ ध्रुव करके है, उसके घर में टंकी चोरी हो गई, उसके घर में ताला तोड़ दिया। तो यहाँ ऐसे छोटी छोटी चोरियां बहुत हुई, ये है जो ये बड़ी चोरी हुई है। ये लोग गए थे अयोध्या, यहाँ के लेबर पार्टी जैसे घर से कोई निकलता है मालिक बोलता है हाँ ये लोग तो यहाँ आज निकल रहे हैं, यहाँ फ्री है। अच्छा दिन भर पानी लेने के लिए भी, पानी पीने के लिए भी यही घर में आते हैं, जो यहाँ रहते हैं 2-4 लोग उन्हीं के घर में पानी लेने आएंगे, दिन भर आएंगे तो वो जज करते रहते हैं और उसके बाद फिर जैसे मौका पाते हैं वैसे चोरी करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से ये यहाँ पर बड़ी एक चोरी हुई है, लखनऊ पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है, बिजनौर पुलिस किस तरीके से नामजद अपराधियों तक पहुंचती है, कैसे इस चोरी का खुलासा होता है कि नहीं होता है, देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि भारतीय सैनिकों के परिवार अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है।